बच्चर पहले कहने जन्म ले ललै छोटा 90 साल कर बुढ़ाटई कह है चुईल गेला पाकी गेल है एगो फोड़ अगर कबर में है और की कहे बताओ कि हरे जयराम महाकोटा 30-40 साल बच्चर पहले कहने जन्म ले लरे रे यह कथा गेला तखन कहतल है तो जमीन जगह गेला बचाई के रख दलिए रे के कहल है बात ले तोनिया बताई दे इतना विधायक बनैला इतना सांसद बनैला आज तक तोरा के बतैलो ई बात किला आज नाय बतैलो शेख अंदाज हमर साथ जनता है जन बात मिला विधायक के सदन में चर्चा करे काम हलै जन बात मिला संसद के दिल्ली में जाके चर्चा करे काम हलै शेख अंदाज हमनी के सदन में नाय सड़क पर रखे व्यवहार ई बात मिला तोहनी को बुझे आज देखा कहीं जाके देखा हमनी पढ़ाई लिखाई कितना मेहनत से करा हा हमनी पढ़ल लिखल लागी यहां जितना मन से लोग बैठल हतो जितना देखे पावा हा चाहे निवेदा रहे हमर मिथुन दा रहे कलीम दा रहे राजेश दा रहे सब विजय दा रहे कमलेश देखला सब पढ़ल लिखल लगो देखला के हमनी कर मंत्री गला दिया नॉन मैट्रिक नहीं लगो के पीएचडी करल लगो के एमए करल लगो के पीजी करल लगो के साइंस करल लगो के इंजीनियर करल लगो चाहे हमर मोती दा रहे मनोज दा रहे चाहे प्रदीप दा रहे ओतना तो छोड़ी थी ई बेटी छोटी के देखे पावा हा बड़ी तेज है ना यो पीजी में एडमिशन कराई के आले पीजी बुझा ना एमए यानी जितना लोग बैठल है सब पढ़ल लिखल लगल लेकिन आज हमनी के कहे गांव गांव जाए के एक एक को लोग के जमा करके बुझाए बेबो है कि भाई पढ़ल लिखल बाद भी ई राज्य में हमर अधिकार बाप दादा हमर मरले यहां जितना जान बैठल है ये जितना जान तोनी आइल है तोनी आज से 30-40 साल पीछे चली जा और तोनी याद करा तो चाहे तोर मामा बनो चाहे तोर मौसा बनो चाहे तोर फूफा बनो कोई ना कोई विनोद बाबू कर समय शक्ति बाबू कर समय जेल गेल हत केव ना केव गेल हत तोहनी नहीं गेल हबा लेकिन तोहनी आपस कुटुंब में केव ना केव जेल गेल हत पुलिस एक मार खाइल हत गप तक चमड़ा छला लत कपार का फटा लत सही लागे कि नहीं लागे केव ना केव जरूर हत आज से 30 साल पहले चली जा यानी हमने जन्म से तनी पहले हले कि नहीं के ना के तोर गांव टाई अरे इलाय तो गोटे आंदोलनकारी ए मोहदा बानडी कपुरिया हरियरपुर बागड़ा भौरदहा नागदा छत्रुटाण मुरलीडी बारकी इलाय तो गोमे आंदोलनकारी आते यानी हमने पूर्वज में लड़ के झगड़ा करके अपन जान दे दई के अपन जीवन दे दई के ई राज तके बनाई दे पहले तो बिहार राज रहा ले ना ये राज जन नोटन बनाए दले कहे नोटन राज बनाए दले न जब राज जन नोटन बनता है तो जे लोग किला गांव देहात में रहा है जे लोग किला के अधिकार नहीं मिला है जे लोग किला के आगू बढ़े के मौका नहीं मिला है सही लोग किला के बराबरी में आवे के मौका मिला अब मौका मिलते ही मने कैसा वीडियो बनने का मौका मिलते मौका मिलते ही मने मास्टर मास्टर नहीं बनने का मौका मिलते ही मने इंस्पेक्टर दरोगा बनने का मौका मिलता है आज तो नहीं बताओ जितना भी हमने की नौकरी चाकरी जितना भी हमने के सरकारी सिस्टम जितना भी कोयला के खदान तो एक झारखंड के लोग आए तो नहीं बताओ हाँ एक बात हमें कठोर कहो कमलेश धाम निकाल ले कुछ दिन पहले हमने गेल हलिए बेरमो एगो धरना दिए ले जीएम कर ऑफिस के सामने अपनी धरना दे रहा तोनी तो जीएम मुझे करा तोनियो कोलियरी साइड में रहा तो अपनी धरना में की लिखा ले पता हो कि की चाहे एक नहीं लिखा ले हमरा दुगो पुस्तकालय छे लिखा ले कि हमरा दुगो सड़क छे लिखा ले कि हमरा पिए के पानी चाहे हम कहले हाय रे झारखंडी तोर बाप के जमीन है कोयला खदान तोर बाप के जमीन है पचमहाग लग मकान तो और बापी की जमीन में सीएम कर आवास और तो ही जाके कहीं हमारा पिए के पानी दे नोची के चौथी के कोयला खदान गला लिए काम हलो तोरा वाह 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 कितना सीधा सपटा कितना भोला भाला झारखंडी पिए के पानी मांगल तूने यादे पूछी ले अभी आवेदन हमरा आश्चर्य भेव है हमरा हैरानी भेव है हमरा तकलीफ भी भेव है कि झारखंड एक लोग साला चक्कर झारखंड वो जीएम के गोड़ ला गए कि हमरा पिए के पानी दे कोयला खदान पर बाप के जमीन में हो तोरा कब्जा ही करे खलो तो कोयला खदान में करे और आज नया पीढ़ी के हम सब सब कब हो और खास कर हमें जहां मीटिंग कर रहा लियो पत्थरगढ़िया एकदम छोटा सा उदाहरण सबके दिमाग है एक बात बताओ नहीं रोटी देख रहे हैं कपुरिया परसिया है के कहने के लिए पुरना रोड तो कपुरिया परसिया लग लेना
एक बात बताओ, ये रोड टी देखे बाबा ना जंटी ऊपरे ऊपरे राजगंज ले गेले से हिने तहने लग लई कोपरिया बाटे हसे कोपरिया हलय बांध भी हलय तोर जाके आगू जाके परसिया चिरुडी अड़लगड़िया पावातय केनवा करकेन पावातय तो ये रोड टी जे पर पहले कोरोना रूप लागले कहने लगले बताओ कहे बताओ ना ये क्षेत्र का जितना है सब के लिए कोई लाख भंडार है सकल ही हमारा अनुमान गलत है परी लेकिन एगो पढ़ल लिखल लड़का लगियो एगो रोड बनलो कर मतलब तो नहीं जाने था नहीं जाना तो बुझी ये रोड की यहाँ से खातिर डाइवर्ट करल गेलो ताकि वजन नहीं पड़ता है और दूसरा बात भविष्य में इगला ओपन कास्ट कर सकता ताले सीधा सा बात ये रोड की इतना दूर कहाँ लगले कहाँ मिला लाए बताओ कि ना सीधा राजगंज में रोड टी के मिलाई जाएगा कहे भाई ना यहाँ कोयला के भंडार हो अब एक बात सीधा जान ले कोयला के भंडार यदि आहो चूंकि उनका भारत देश के संपत्ति लग तो घोड़े से ओकरा रोक नहीं सकल है लेकिन नियम कानून बनाए सकल है सदन में जाके चर्चा कर सकल है की चर्चा कर सकल है दिल्ली में जाके सदन में जाके संसद के आवाज उठाए कहीं कि जिस प्रकार मेघालय मिजोरम में कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से वहां के जनता रैयत कोयला कोड़ है झारखंड में भी वही व्यवस्था बहाल है मीडिया में डिबेट होना चाहिए काहे नहीं होना चाहिए भाई बताओ ना इतना बीसीसीएल सीसीएल के इतना कोयला लाखों लाखों टन के कोयला और प्रभात खबर के माध्यम से पढ़े में मिल तो कि प्रत्येक महीना 600 करोड़ के कोयला चोरी के जब 600 करोड़ के कोयला चोरी भये जाए तो फिर ओकरा नेशनल आज हटाई के सीधा सीधा गांव के लगाए रैयत के लगाए कोई ओकरा वीडियो के कहीं एगो व्यवस्था बनाते डीसी के कहीं एगो व्यवस्था बनाते ओकरा एगो निगरानी समिति देता है उस समिति सरकारी रहता है लेकिन रैयत अपन मर्जी से पढ़ता है और टैक्स देते सरकार व्यवस्था बनाइए सदन में चर्चा तो कीजिए क्यों नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि भारत के संविधान आर्टिकल 39 में साफ साफ शब्दों में जिक्र है कि भौतिक संपदा का इस प्रकार वितरण होना चाहिए कि जन समुदाय की भागीदारी हो सके। चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहे चाहे माननीय रविंद्र पांडे जी रहे जो यहाँ के सांसद रहते अपने के मालूम है ना 39 लाख चर्चा तो कीजिए ना भाई हम ठीक है नियम बने नहीं बने बाद में बने 5 साल बाद बने अभी देश में ओबीसी को लेकर चर्चा में रहता है ओबीसी आरक्षण का मसला 1952 का था पूरा 1990 में हुआ था अब चर्चा तो कीजिए आप सदन में बात तो रखिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री छाती ठोंक के बोलते हैं कि हम भारत को उन्नति राष्ट्र बनाएंगे तो भारत उन्नति राष्ट्र तभी बनेगा जब अडानी और अंबानी की पत्नी की 3 लाख की साड़ी चर्चा में नहीं होगी जब गांव के सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगिया उसकी गठरी चर्चा में होगी तब देश उन्नति राष्ट्र बनेगा। अंबानी अडानी की पत्नी अगर 5 लाख का भी चाय पीती है और अगर मोदी जी भाषण देते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है हम मोदी जी को भी झूठा बोलेगा। ये देश उन्नति और तरक्कीशील राष्ट्र तभी माना जाएगा जब एक गांव के सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगिया की गठरी में वजन होगा तब ये देश तरक्कीशील माना जाएगा तब ये राष्ट्र उन्नति के रास्ते में अग्रसर होगा। तो चर्चा तो करना होगा और चर्चा क्या करेगा चर्चा दिल्ली में होगा चर्चा लोकसभा में होगा चर्चा राज्यसभा में होगा वहां आपके लोग नहीं है और है भी तो रोंगटा के नाती का बर्थडे में केक खिलाने वाले लोग अगर है भी तो उद्योगपतियों का शादी बिहार में जाके फीता काटने वाले लोग अरे फीता काटिए ना मंगरा बुधा का चाय का दुकान का काटिए ना उद्योगपति का बेटा कोई लोग केक खिलाता चर्चा नहीं होता है आपका सदन में हम महाराष्ट्र गए थे हमको 2 गो विधायक और एगो सांसद बकायदा मीटिंग के लिए घर बुलाया हम इनकार कर दिए कि हम आपसे यहाँ मिलेंगे झारखंड में भूचाल हो जाएगा हम नहीं मिलेंगे आप झारखंड आइएगा हम मिलेंगे हम यहाँ आके नहीं मिलेंगे। एक साधारण सा लड़का ये कोई तारीफ की बात हम नहीं कर रहे जितने लोग हमारे साथ महाराष्ट्र गए थे फरजान खान सामने है उनको कुरान से कसम खिला के बोलिए अगर एक सच्चा मुसलमान है तो गवाही दे देगा कि हाँ सही में हम लोग को फराया पूछिए फरजान खान हमारे सामने
यदि आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो फरजान खाने के मुसलमान साथी हमारे उनसे पूछिए कुरान सामने रख के, वो बोलेंगे दो को विधायक और एक सांसद को हमको मीटिंग को ऑफर आया था कि आपसे हम लोग सिर्फ मिलना चाहते हैं। हमने एक लाइन कहा कि हम लोग आपसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि झारखंड में अगर हम मिलेंगे तो झारखंड में गलत संदेश जाएगा। जय झारखंड। इसलिए आज देखा तोहनी में खासकर आधी आबादी के जागरूक है, जागरूक है तो शिक्षा के लेके, जागरूक है तो रोजगार के लेके, जागरूक है तो व्यापार के लेके, और जितना भी कुप्रथा अंधविश्वास हमने बीच व्याप्त है वो को जड़ से उठाए के बाहर फेंक दे। और नहीं सही कहा है यह खातिर कहना कि बेटी के मान